एबीपी न्यूज के नन्हे एंकर अवि शर्मा ने बालमुखी रामायण लिखकर एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। जी हाँ, लॉकडाउन के दौरान 10 वर्षीय अवि शर्मा ने आम बोलचाल की भाषा में फिर से रामायण लिखी है, जिसे बालमुखी रामायण नाम दिया गया है। देखिए खास रिपोर्ट। जिस उम्र में बच्चे मोबाइल पर गेम खेलने का शौक रखते हैं, उस उम्र में एमपी न्यूज के 10 वर्षीय नन्हे एंकर अवि शर्मा ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल 2 महीने के लॉकडाउन पीरियड में नन्हे एंकर अवि शर्मा ने टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले रामानंद सागर के सीरियल रामायण से प्रेरणा लेकर और मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के चरित्र से प्रभावित होकर सरल शब्दों में रामायण ही लिख दी। 250 से ज्यादा छंदों में लिखी गई इस रामायण को उन्होंने बड़े ही सरल तरीके से प्रस्तुत किया है, जिसका नाम उन्होंने बालमुखी रामायण दिया है। अवि की इस प्रतिभा को देश भर ने सराहा और बालमुखी रामायण को एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दी गई। एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड के एडिटर अनुराग सक्सेना ने उन्हें ये अवार्ड दिया। नेशनल ओलंपियाड में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के अलावा हिंदू पुराण विद्या में कई सम्मान और ट्रॉफियां जीत चुके अवि शर्मा का आध्यात्म के प्रति लगाव बचपन से ही रहा है। वे भागवत गीता के साथ रामायण और शिव पुराण जैसे ग्रंथ भी पढ़ते हैं। यही नहीं, वे रामायण, महाभारत और वेदों पर शास्त्रार्थ भी करते हैं। अवि के माता पिता भी उन्हें काफी मोटिवेट करते हैं। अवि का आईक्यू लेवल दूसरे बच्चों की तुलना में कहीं ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।